तो डियर स्टूडेंट, ये है इसी वर्ष 2024 का बीए सिक्स सेमेस्टर सोशियोलॉजी का सेकेंड पेपर, और ये पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर है आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जो आपकी परीक्षा लगी है आपको पता चलेगा कि 2024 में मॉडल पेपर कैसा आ रहा, सोशियोलॉजी का किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आएंगे वो जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो को कम्प्लीट देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रूफ के तौर पर देख लीजिए, बी थर्ड ईयर यानी कि बी ए सिक्स सेमेस्टर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है। प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर का नाम है जेंडर एंड सोसाइटी। जितने भी क्वेश्चन होंगे जेंडर और सोसाइटी से जुड़े होंगे। समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा, जितने भी समय मिलेगा 2-3 घंटे। पूर्णांक यहाँ पर लिखा रहेगा। दिशा निर्देश कुछ दी जाएंगे, कितने क्वेश्चन का आंसर कितने शब्दों में लिखना है, उसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, जानकारी लिखी रहेगी। ठीक है, इसी के हिसाब से आपको उत्तर देना है। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न है कि लिंगानुपात क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इस बार भी उम्मीद है प्रश्न आपकी परीक्षा में फंसेगा। इस वीडियो में सिर्फ हम आपको इस मॉडल पेपर को दिखाएंगे, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन जो आपकी भी परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है, उनको सिलेक्ट कराएंगे। उसके बाद इन सभी का पूरा पूरा महासंग्राम जो PDF तैयार किया वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन पहले जान तो लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। ओके, अगला प्रश्न है कि समानता को परिभाषित कीजिए या समानता की परिभाषा दीजिए। भी हाई लेवल क्वेश्चन कई बार आ चुका है, नोट कर लीजिए। अगला कि पितृसत्ता क्या है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमेशा तो नहीं आता है, कभी कदार आता है, आप इग्नोर भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। अगला है कि वर्ग से आप क्या समझते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि ऑनर किलिंग क्या है, ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, आप इग्नोर कर सकते हैं। अगला है अपराध परिभाषित कीजिए, अपराध की परिभाषा दीजिए, जो लोग क्राइम करते हैं। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन ये भी है। हालांकि नारीवाद आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा तो नहीं आता लेकिन कभी कभी आता है। ठीक है, लेकिन अपराध वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि यौन उत्पीड़न को परिभाषित कीजिए, ये भी हमेशा तो नहीं आता लेकिन ज़्यादातर परीक्षाओं में आवा है, 90% इंपॉर्टेंट है। मानवाधिकार 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए ना आए आपको जानना भी चाहिए मानवाधिकार के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि नारीवाद से आप क्या समझते हैं, ये भी 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अति लघु उत्तर में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, हो सकता है आपकी 9 सीटें 5 ही आएँ या फिर 10 ही आएँ। ठीक है, ये आपको नहीं ध्यान देना, मेन ध्यान देना क्वेश्चन पर। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 के 10 महत्वपूर्ण है और ये आपकी परीक्षा में भी आने की उम्मीद है, तो नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, और इन सभी का उत्तर हम आपको बता दे रहे हैं कहाँ पर मिलेगा, लेकिन उससे पहले वीडियो देख लीजिए पूरी। ठीक है, और आ गए अब हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसमें पूरे दिशा निर्देश दी जाएगी, कितने क्वेश्चन करना है, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, ये पूरी जानकारी यहाँ पर लिखेगी, आपको पढ़ जरूर लेना है। ठीक है, चलिए तो ध्यान से सुन लीजिएगा आज के इस वीडियो का। लघु उत्तरीय का जो सबसे पहला प्रश्न ये है कि लैंगिक असमानताओं के मूल अवधारणाओं को आप किस प्रकार समझते हैं। तो लैंगिक असमानताओं को लेकर बहुत सारे अलग अलग अवधारणाएं हैं, अलग अलग लोगों के मत हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुका है, तो इस बार भी पूरी उम्मीद है कि फंसेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन में पुरातत्व की अभिव्यक्ति के द्वारा सत्ता का प्रयोग कैसे होता है, परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमेशा तो नहीं आता है लेकिन कभी कदार आ जाता है, मतलब कि कई वर्षों में, जैसे कि 4 बार पेपर हुए हैं तो अभी क्वेश्चन 1 ही 2 बार आया है। ठीक है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, मेरा कहना माने तो। अगर ज़्यादा समय है, 2 हफ्ते का, 15-20 दिन का, तो इस प्रश्न का उत्तर तैयार करें, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पितृसत्तात्मक संस्थाओं के रूप में परिवार तथा विवाह पर एक निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, परिवार से जुड़ा क्वेश्चन प्लस विवाह और हिंदू विवाह से जुड़ा क्वेश्चन एक आधा आपको देखने को मिल सकता है, पूरी उम्मीद है। जहाँ तक मुझे जानकारी है काफ़ी हेल्पफुल ये आप सभी के लिए टॉपिक साबित हो सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उत्तराधिकारी कानून की संरचना में लैंगिक भेदभाव की समीक्षा करें। ठीक है, तो भारत में उत्तराधिकार कानून की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके लैंगिक भेदभाव के बारे में आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि फंस जाएगा इस बार। ठीक है, एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि यूनिकता की राजनीतिकता क्या है, अपने अवतर को उदाहरण द्वारा प्रमाणित कीजिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन 100% तो नहीं उम्मीद किया आएगा लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगला है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिला आंदोलन के मुख्य सरोकारों का विवेचन कीजिए। ये भी आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार आ चुका है। ठीक है, और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि प्रश्न फंसेगा, नोट कर लीजिएगा अभी कभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे कि श्रम का अस्त्रीकरण क्या है, उपयुक्त
उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो भी क्वेश्चन हमेशा तो नहीं आता, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि स्त्रियों के अवैतनिक श्रम में भागीदारी की भूमिका की प्रकृति की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो स्त्रियों के अनवैतिक श्रम के श्रम में भागीदारी की प्रकृति की विवेचना करना है। हमेशा तो नहीं आता लेकिन कुछ बार फंस जाता है, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गए हम खंड आशा की ओर, जहाँ पर आपको विस्तृत उत्तरी यानी कि दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी पूरी दिशा निर्देश सेम टू सेम यहाँ पर लिखी है। कितने क्वेश्चन करना, कितने शब्दों उसका उत्तर लिखना, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये मैंडेटरी पार्ट होता है किसी भी सब्जेक्ट का, और ध्यान रखना है। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरी का जो पहला प्रश्न है ध्यान से सुनेंगे, और यहाँ पर ले भी लिखा है कितने क्वेश्चन करना, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लैंगिक ठीक है विभिन्नता को जेंडर विषमता है कैसे परिवर्तित किया जाता है, उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, तो उम्मीद तो इतनी नहीं है लेकिन कुछ उम्मीद एक प्रश्न फंस सकता है। ठीक है, अगला है कि रिव्यू हाउ स्टेट लॉ हैव चेंज द सोशल स्टेटस ऑफ वोमेन। ठीक है, तो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में, नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला है कि घरेलू हिंसा पर एक निबंध लिखिए। घरेलू हिंसा से जुड़ा आज तक कोई ऐसी परीक्षा छूटी नहीं जिसमें क्वेश्चन ना आया हो, और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आपकी परीक्षा जो लगी उसमें फंसेगा घरेलू हिंसा से जुड़ा। नोट कर लीजिए, बाद में मत बोलिएगा कि बताया नहीं। ठीक है, तो घरेलू हिंसा एक बहुत ही पॉपुलर बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, अभी कभी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जात क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कोई भी कास्ट जो होती है, जाति ही क्या होता है, और उसकी क्या क्या क्वालिटियाँ हैं, क्या क्या विशेषताएँ उनके बारे में आपको लिखना है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर, मतलब कि कुछ इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, और ध्यान रखना इस बात को कि जो भी आपको प्रश्न करना है सबसे पहले उन प्रश्नों का उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, सबसे पहले जिन प्रश्नों का उत्तर मालूम है, मान लीजिए 2, 4, 5, 6, उन सभी का उत्तर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई भी पढ़ना हो या कुछ रीड करना हो, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप फ्रेश हों। ठीक है, और फ्रेश होने पे आपके माइंड में ये सब चीज़ें ज़्यादा बैठती हैं। और साथ साथ में मैं आपको बता दे रहा हूँ इन सभी का PDF कहाँ पर मिलेगा, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। ये पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर है, इन सभी का उत्तर सहित जो ठीक है PDF है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और काफ़ी हेल्पफुल और टॉप लेवल का ठीक है क्वेश्चन है, और साथ साथ में पूरे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए ताकि आपको कभी भी ठीक है प्रॉब्लम्स ना हो, और बाकी आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको समय रहते सारी अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, ये पूरी की पूरी PDF जो है ठीक है आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पे ज्वाइन होने के बाद आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें BA 6 सेमेस्टर सोशोलॉजी सेकेंड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो हम आपको सेंड कर देते हैं। ठीक है, सेंड कर देंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर लीजिएगा, और आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं और नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।